पटना और बैंगलोर परे एबे विरोधी मंट इंडिया रो दुई दिनिया बैठक मुंबई रे आरंभ हो जाइछे। 28 दल रो 63 जन नेता विरोधी मेंट रे एथरो शामिल होइतिबा कोआ जाउछे। 2024 लोकसभा निर्वाचन लागि विरोधी मेंट रो रणनीति उपरे चर्चा हाबो। मीटिंग पूर्वरु राहुल गांधी मुंबई रे प्रेस मीट करी आदानी प्रसंग उठाई पुणी थरे केंद्र सरकार को उपरे हमला करिछथि। मुंबई रे विरोधी मेंट इंडिया रो बैठक 28 दल रो 63 नेता सामिल। पटना और बेंगलुरु पर विरोधी मेंट इंडिया रो दुईदिनिया बैठक मुंबई आरंभ हो जाइछि। ए अवसर रे विभिन्न दल नेता को स्वागत करबा लागि मुंबई पोस्टर बैनर छाई हो जाइछि। 28 दल रो 63 नेता विरोधी मेंट रे तर सामिल हेतबा कह जाउछि। 2024 लोकसभा निर्वाचन लागि विरोधी मेंट रणनीति उपर चर्चा हेबो। मीटिंग पूर्व राहुल गांधी मुंबई में प्रेस मीट करी आदानी प्रसंग उठाई पुणी थे केन्द्र सरकार पर हमला कर। आदानी ग्रुप आर्थिक अनियमितता को नहीं फाइनेंशियल टाइम गार्डियन प्रकाशित खबर को आधार कर गंभीर प्रश्न उठाई राहुल। आदानी ग्रुप बिलियन डॉलर शेयर अनियमितता कर राहुल अभियोग आनी। एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। सेपटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार डेप्युटी सीएम तेजस्वी यादव मुंबई में पहुंचा पर सिद्धिविनायक मंदिर जाए पूजार्चना कर देखा मिली। तेजस्वी कहते बैठक में लोकसभा निर्वाचन को अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया निर्वाचन पर विरोधी मेटर किए प्रधानमंत्री हे सांसद चयन करेंगे। मीटिंग पूर्व शिवसेना उद्धव कैंप्र सांसद संजय राउत बड़ बयान देखते विरोधी मेट इंडिया जिते जिते आगक बढ़ आमर ताकत देखी चीन भारत सीमार हटा आरंभ कर। जिस तरह से इंडिया आगे चल रही है हमारा अलायंस, वैसे वैसे बॉर्डर जो चाइना जो घुस गया है ना वो भी पीछे हटेगा हमारी ताकत देख कर। जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो देश में दंगा फसाद कराने का काम करती हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, देश के संविधान पे जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं। और कैसे मिलकर के जो आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि जनता की मांग पर और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें। तबे एभली बयानबाजी भितर संध्यार महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे डिनर पार्टी आरंभ हो। डिनर पार्टी में अनौपचारिक भाव विरोधी दल नेता आगामी लोकसभा निर्वाचन को चर्चा करेंगे। शुक्रवार सकाल 11:00 विरोधी इंडिया मेंटर बैठक आरंभ हो। बैठक में विरोधी मेंट इंडिया लोगो उन्मोचन सहित कमन मिनिमम प्रोग्राम चिठा प्रस्तुत होवार संभावना रही है। यह व्यतीत विरोधी दल मध्य संयोजना कमिटी घोषणा ही पाए। तेज सीट सेयारी मीटिंग मुख्य एजेंडा होता बेले एने रोडमैप प्रस्तुत होवार कार्यक्रम रही है। यह विरोधी मेंट के विश्व निर्वाचन मैदान को ओह्ल एने चर्चा होने।